नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं पल्लवी रंजन। आपको बता दें कि जिस तरीके से नीतीश कुमार और चिराग पासवान में पूरी लड़ाई चल रही थी, बहस चल रही थी, एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि वो उनको ट्वीट करके कुछ ट्वीट पे उनको टॉन्ट कर रहे थे, तो चिराग पासवान उधर से कर रहे थे, नीतीश कुमार कुछ और कर रहे थे। इस बीच में बीजेपी ने जो चुप्पी रखी थी वो चुप्पी आज तोड़ दी है। किस तरीके से, और अगर बात करें हम बीजेपी की, जो कोर टीम है दिल्ली से पटना की ओर रवाना हो चुकी है। पूरी खबर विस्तार से बाबा बताएंगे आपको कि बाबा राजनीति में काफी, अगर बात करें बिहार की राजनीति की, तो हर एक तरीके से बाबा को बिहार की राजनीति का एक एक इक्का पता है बाबा को। तो बाबा बताएंगे पूरी खबर कि बाबा क्या है, क्यों कोर टीम आ रही है दिल्ली से पटना आ रही है। फिर चिराग और नीतीश की बात करें तो जो बीजेपी ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है, इस पे क्या बोलेंगे आप, क्या बताएंगे? पल्लवी, बिहार की राजनीति में जो कुछ भी हो रहा है, आप लोग तो पैनी नजर रखे हुए हैं ही, लगातार आप लोग अलग अलग राजनीतिक दल के नेताओं से बात कर रहे हैं, हमारी टीम भी सर्वे कर रही है और हम अंदर घुस करके भी प्रयास करते हैं, थोड़ा थोड़ा हिला डुला करके पता करते हैं कि क्या कुछ चल रहा है बिहार की राजनीति में। बिहार की राजनीति में जो कुछ भी चल रहा है उसका सीधा सा लबोलुआब यही है कि ये सारा कवायद जो है सिर्फ सीटों का है जी, लेकिन इन सीटों के साथ साथ मान सम्मान की भी बात अब आ गई है। हालांकि राजनीतिक में मान सम्मान तो एक अलग चीज है, आपने देखा होगा कि कई बार मान सम्मान को ताक पे रख करके भी समझौते हुआ करते हैं, लेकिन जो स्थिति सामने आ गई है चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच में जो कुछ भी चल रहा था, ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ था 2019 चुनाव के बाद। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के एक्शन का रिएक्शन था जिसको भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान दोनों ने एक्सेप्ट नहीं किया था। ऑफर किया गया था कि आप मोदी मंत्रिमंडल पार्ट टू में शामिल होइए, लेकिन नीतीश कुमार अपने मंसूबे को पूरा नहीं होता देख करके मंत्रिमंडल से बाहर हो गए थे। उसके बाद बिहार में आकर के जिस तरह से उन्होंने एक्शन किया कि वो अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किए और दोनों को ही बाहर रखे, एलजेपी को भी और भारतीय जनता पार्टी को भी, इसका एक रिएक्शन हुआ और चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर हमला शुरू कर दिया। शुरुआत में तो लगा कि ये पूरी तरह से प्लान है, कहीं भारतीय जनता पार्टी को और ज्यादा दबाव बनाने के लिए ये दोनों राजनीति कर रहे हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब ये बात सिलसिला बढ़ता चला गया, लॉकडाउन लग गया, उसके बाद चिराग पासवान ने अपने पिता के विभाग द्वारा बिहार को दिए गए राशन पर लेकर के हमला किया, इन सब बातों के बीच जो बातें सामने आई उसने एनडीए का माहौल गड़बड़ा दिया। उसके बाद नीतीश कुमार का एक्शन हो गया फिर से कि उन्होंने जीतन राम मांझी को प्रवेश करा दिया और दलित राजनीति पर उनका लगातार बयान आने लगा। एक तरफ दलितों को वो अपनी पार्टी से बाहर कर रहे हैं, जैसे कि आपने देखा श्याम रजक को किस तरह से बाहर किया, वहीं दूसरी तरफ मांझी को ले जाकर के जिस तरह से उन्होंने एक नई शुरुआत की, चिराग पासवान पर दबाव प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू किया, इससे चिराग पासवान तिलमिला गए और तिलमिलाहट में उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़ा करने की बात कर दी और ये बात कहीं ना कहीं एनडीए के लिए घातक साबित हो सकता था, महागठबंधन को फायदा हो सकता था और महागठबंधन के नेताओं को आपने देखा होगा कि जब उन्होंने घोषणा किया उसका चुप्पी साध ली। इन सब बातों पर पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए भारतीय जनता पार्टी इंतजार कर रही थी कि आखिर ये झमेला कब तक चलेगा, सुधर जाएगा, क्योंकि सबको एट द लास्ट चुनाव लड़ना है, सभी को कुछ ना कुछ चाहिए इस चुनाव में। अब इन सब पर झमेला बढ़ता देख करके भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुप्पी तोड़ी, जैसा कि आपने बताया अभी। अब भारतीय जनता पार्टी की कोर टीम बिहार की तरफ कुछ कर गई है, 10 तारीख से लगातार यहां टीम रहेगी और इस बीच में दोनों के बीच जो झमेले हैं उसको शांत करने का प्रयास किया जाएगा। इसकी एक लगभग शुरुआत हो चुकी है, हमने आपको बताया भी था खबरों के माध्यम से भी, हम भारत लाइव के दर्शकों को अवेयर करते रहते हैं कि किस तरह से हरिवंश बाबू के नॉमिनेशन में, जो राज्यसभा के उपसभापति के लिए नॉमिनेशन था, उस नॉमिनेशन में किस तरह से एलजेपी भी साथ में आ गई, बीजेपी भी साथ में आ गई, सब लोगों ने उनका सपोर्ट किया और प्रस्तावक भी बने। अब इन सब बातों के बाद भारतीय जनता पार्टी का कोर नेतृत्व है जिसमें जेपी नड्डा हैं, संजय जायसवाल हैं, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस हैं, ये सारे लोगों का पटना आगमन 10 तारीख से हो रहा है और 10 तारीख से जब आएंगे लोग तो एक बड़ा फैसला किया जाएगा। इस फैसले में दो ही बातें सामने आ सकती हैं, एक तो नीतीश कुमार को समझाने का प्रयास किया जाएगा और हो सकता है कि जो हम लगातार खबरें चला रहे हैं कि कहीं ना कहीं झमेले को शांत करने के लिए जीतन राम मांझी को ग्रीन सिग्नल नहीं मिल सकता एनडीए का जी। ये एक बड़ी बात है जो भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों से हमें पता चल रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि एनडीए में झमेला हो, इसका फायदा महागठबंधन को और आरजेडी को मिले। नीतीश कुमार भी नहीं चाहेंगे, लेकिन नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं डर है कि भारतीय जनता पार्टी और एलजेपी मिलकर के उन पर दबाव बना सकती है और अब इसी मामले को सुलझाने के लिए भारतीय जनता पार्टी आ सकती है। अगर ये मामला नहीं सुधरा तो आप इतना मान के चलिए कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर
हो सकता है कि एनडीए में एक बड़ा कोई बदलाव हो सकता है या बिखराव हो जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि चिराग पासवान किसी भी सूरत में समझने के लिए तैयार नहीं है और भारतीय जनता पार्टी भी चिराग पासवान पर उतना दबाव नहीं डालने जा रही है जितना वो नीतीश कुमार पर डालेगी। कारण कि अंततः भारतीय जनता पार्टी भी ये बात समझ रही है कि नीतीश कुमार का ग्राफ गिरेगा तभी जो है उनका ग्राफ बढ़ेगा, और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं एक बात तो तय न मानी जा रही है कि जिस तरह से चिराग नीतीश झमेले में एक्शन में आ गई है बीजेपी, इसका मतलब होता है कि बिहार की राजनीति में कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। विपक्ष लगातार हमला कर रही है एनडीए पे, तो क्या लगता है इससे विपक्ष कितना फायदा उठाने की कोशिश करेगी? बिल्कुल, जब आप समझ लीजिए कि अगर एक घर टूटता है तो दूसरा आप देखिएगा हावी हो जाता है कि जमीन का हिस्सा कुछ मेरे पास था, मेरे हिस्से को आपने पकड़ लिया था तो टूट गया, आप मेरा हिस्सा दे दीजिए, ये होते रहता है। और आप इतना मान के चलिए कि अगर एक्शन में आ गई है बीजेपी, बीजेपी के कोर टीम के जितने भी लोग हैं जो बिहार के राजनीति पर और चुनाव को लेकर के जितने भी लोगों को यहाँ प्रभार दिया गया है वो सारे लोगों के एक्शन में आ जाना, भूपेंद्र यादव का एक्शन में आ जाना, जेपी नड्डा जो अध्यक्ष है उनका एक्शन में आ जाना, जो चुनाव के लिए प्रभारी बनाएंगे देवेंद्र फडणवीस उनका एक्शन में आ जाना, संजय जायसवाल का एक्शन में आ जाना, उसके बाद नित्यानंद राय का एक्शन में आ जाना, कुछ ना कुछ तो जरूर कह रहा है कि नीतीश कुमार पर एक बड़े दबाव की तैयारी है और इसमें चिराग पासवान को प्लस पॉइंट जरूर मिल सकता है अगर एनडीए को बचा के रखना है तो, वरना जैसा कि आप पूछ रही हैं बोल रही हैं कि महागठबंधन को तो फायदा हो ही जाएगा। तो बिहार में कोर टीम आती है उसके बाद क्या फैसला लिया जाता है, हम खबरों पे हमेशा नजर रखेंगे और आपको ऐसे ही खबर अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए भारत लाइव, नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।